हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम इस वीडियो में एक लंगोट की जानकारी देंगे आपको, तो हमने इसका एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने रुमालीदार लंगोटे की जानकारी दिया था। तो ये रुमालीदार नहीं, ये कोना वाला है रुमाली लंगोट है ये। तो जो जिस मतलब ये ज़्यादा करके स्टूडेंट लोग पहनते हैं, जो दौड़ लगाते हैं मतलब भर्ती उर्ती सेना में होने के लिए, तो वो लोग भी पहन सकते हैं, या जिसको मतलब हाइड्रोसिल होता है वो लोग भी पहनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। तो जैसे दोस्तों, एक लंगोट बनाने के लिए मतलब 80 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक कपड़े लगते हैं। तो जैसे अगर मोटे आदमी हैं मतलब हैं तो उनको 1 मीटर लगता है, और जो मतलब पतले आदमी हैं उनको 1.25 मीटर में भी लंगोट बन जाता है। तो जैसा कि हमने ये कि हमारा यह है 70 सेंटीमीटर कपड़ा है, हमने मतलब आपको बताने के लिए बता रहे हैं। और कपड़े आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब पूरा अगर बनाना है किसी को। तो जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं, इसको हम ये हमारा कपड़ा है। तो ये जो हम ऊपर का जो पहला ये ऊपर वाला भाग बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके लिए इसके कटिंग करने के लिए कोई टेबल की आवश्यकता नहीं, आप अपने मशीन पर भी काट सकते हैं। तो हमने इस पर टेबल का इस्तेमाल नहीं किया है, हम अपने मशीन पर ही बता रहे हैं आपको। तो जैसा दोस्तों ये ऐसा इस तरह से कपड़ा ये घड़ी कर लीजिएगा, ऐसा ये तिरछा कपड़ा होना चाहिए ताकि ये स्ट्रेचबल रहे। मतलब ये ऐसा ऐसा ये स्ट्रेचबल रहता है तो पहनने में आसान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हम इसकी साइज़ बता दें हम आपको कि इसका साइज़ कैसा रहता है। जैसे आपको अगर किसी साइज़ का लंगोट बनाना है तो पहले उसके कमर नाप लीजिए। तो कमर नापने के बाद में जितना उसका कमर है तो इसकी इस तरह से लंबाई नाप लीजिए। ऐसा पहला ये ऊपर वाला पल्ला है, जैसा कि ये हमारा ये कोना वाला भाग है ये, और ये ऊपर वाला पल्ला है ये। तो अगर 32 इंची कमर है या 34 इंची है, 35 है, तो जितना है उतना मतलब कोना बढ़ाते जाइए आप इस तरह से। तो ये तो हमने इसको हम 32 इंची कमर के लिए बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 32 इंची यहाँ तक तैयार हो रहा है। और इसकी लंबाई जो है लंगोट की लंबाई वैसे मतलब 14 इंची से 15 इंच तक कर सकते हैं, बहुत अगर मोटे आदमी है तो 16 इंच भी कर सकते हैं इसकी लंबाई जो है। तो इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से, इसको तिरछा से। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये ऊपर वाला पल्ला हो गया, ये वाला पल्ला। अब ये ऊपर का पल्ला सीधा भाग है, और ये कोना वाला जहाँ हम जो पट्टी लगाएंगे जिसको मियानी पट्टी बोलते हैं, ये मियानी पट्टी यहाँ लगेगा, और इस साइड में नाड़ी लग जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ये डबल भी कर सकते हैं, डबल कपड़े का भी बना सकते हैं। हमने सिंगल कपड़े बना के दिखा रहे हैं आपको। तो जैसा कि अगर पतला कपड़ा है तो इसको आप डबल बना सकते हैं, अगर मोटा कपड़ा है तो इसको आप सिंगल बना सकते हैं। तो ये हमारा ये ऊपर वाला भाग कटिंग हमने कर दिया। अब हमको मियानी पट्टी कटिंग करना है, तो हमको मियानी पट्टी कटिंग करना है इस तरह से। तो इसमें अगर जैसा कि हाइड्रोसील अगर किसी को है तो थोड़ा सा मियानी चौड़ी पट्टी लगाना पड़ता है, जैसा कि 6 इंच से 7 इंची तक, 7 इंची तक लगाएंगे तो मियानी पट्टी जो होता है हाइड्रोसील वालों को लिए ठीक रहता है। नहीं तो हम इसको 6 इंच काटेंगे, इसको हम 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम काट देंगे। इस तरह से हमारी मियानी पट्टी निकल गई। लंगोटा कटिंग करना बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जो पट्टी की लंबाई है, हम आपको बता दें, ये जो पट्टी की लंबाई है 35 से 40 इंची कर तक किया जाता है, क्योंकि इसको डबल पट्टी मतलब डबल बार फोल्ड किया जाता है पहनने में। इसको डबल पट्टी करने में इसीलिए थोड़ा लंबा पट्टी होता है, 35 से 40 इंची तक आप इसको कर सकते हैं इसकी लंबाई। तो हम आपको सिखाने के लिए सैंपल तरीके से बता रहे हैं। तो ये मियानी पट्टी हमारा हो गया, और हमको नाड़ी के लिए कपड़े निकाल लेना है। तो कपड़े नाड़ी भी उतना ही लगेगा जितना, जैसे आप कोई अंडरवियर बनाते हैं, अंडरवियर में जितना नाड़ी लगता है तो उसी साइज़ से दो नाड़ी पट्टी आपको लगाना पड़ेगा। दो डोरियां बना लेना है आपको। तो अब ये हमारा पट्टी हो गया, इसकी लंबाई मान लो इसका डबल हो जाना चाहिए,
तो हम आपको सिखा रहे हैं सैंपल। अब ये देखिए जो हमारा ये है, ये एक पट्टी हो जाएगा ये ज्वाइन करके। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये ऊपर वाला पल्ला है पहले, इसको हम चारों बाजू से किनारे से, इस साइड हमारा किनारे सिलाई नहीं होगा क्योंकि इधर पट्टी है, तो जिधर ये खुला कपड़ा रहता है उधर हम फोल्ड कर लेंगे किनारे सिलाई से, इस तरह से। इसको हम पहले किनारी पट्टी मोड़ लेंगे इस तरह से। हमने मोड़ लिया। अब अगर आपकी कपड़े में अगर इधर किनारी पट्टी नहीं है तो इधर भी आप फोल्ड कर सकते हैं। ये दोनों बाजू हम फोल्ड कर लिए, इधर साइड भी इधर साइड भी। अब ये जो ऊपर वाला पल्ला है, चौड़ा वाला भाग जो है ऊपर वाला, इधर अभी हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम नाड़ी इसमें फंसा करके एक सिलाई से मारते आएंगे, हम दिखा रहे हैं आपको। अब इसके बाद हमको मियानी पट्टी फोल्ड कर लेना है, ये साइड वाला जो भाग है इसको हमको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दोस्तों जैसा हमने इसको पूरे फोल्ड कर लिया है चारों बाजू से हमने मियानी पट्टी को, अब इस पर हम ऊपर वाले पल्ले में जोड़ देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसा करना है हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको अब देख सकते हैं आप, ये जो हमारा ये ऊपर वाला कोना वाला पल्ला है, ये कोना वाला पल्ला है, ये इस कपड़े पर जाना चाहिए इस तरह से। अब ये कपड़ा जो है यहाँ तक, मतलब इसको पूरा पहुँचना चाहिए जहाँ तक ये हो है, इस इतना पहुंचना चाहिए। अब इस पर हम रख करके इस पर सिलाई मारेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं अब इसको हमको सिलाई, इसमें कई बार सिलाई मारना है, ऐसा मारते मारते चले जाना है हमको, बीच बीच में सिलाई करते जाना है और बीच बीच में स्टिच करने जाना है। अब देखिए, अब ऐसा हमने सिलाई इसमें, ताकि ये पूरा सिलाई से भर जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा यहाँ जोर लगता है ज़्यादा, इसलिए यहाँ सिलाई ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। देखिए हमने इस पर पूरी तरह सिलाई मार दिया है, देखिए जैसा हमने ऐसा सिलाई मारा, फिर ऐसा मारा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इसमें पूरा सिलाई से भर देना है। आप चाहे मतलब आड़ा तिरछा जैसा सिलाई मारेंगे वो सब चलता है, कैसा भी सिलाई मारिए, मतलब सिलाई मारें तो थोड़ा अच्छा दिखे देखने वाले को, बस इतना ही है, अच्छा दिखना चाहिए। कोई भी काम मतलब आप करते हैं तो किसी को भी अच्छा दिखना चाहिए उसको, सिलाई का मतलब यही है, सफाई दिखना चाहिए, मतलब जो भी हो सफा काम होना चाहिए। अब दोस्तों अब हमारी नाड़ी, अब इसमें हम नाड़ी लगा देंगे। अब हम नाड़ी कहाँ लगाएंगे, ये ऊपर वाला जो भाग है ये पूरा, ये हमारा पूरा लंगोटा हो गया है, ये पूरा भाग बन गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पट्टी हमारा हो गया, मियानी पट्टी हो गया ये, और ये ऊपर का भाग है। अब हम इसको मियानी यहाँ से लगाएंगे, इसको नाड़ी को। अब नाड़ी हम इसमें ऐसा फंसा करके एक बार इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ताकि इसमें जो नाड़ी है वो अच्छी तरह से फंस जाए, क्योंकि नाड़ी खींच कर बांधा जाता है और नाड़ी निकल ना जाए, इसके लिए मजबूती से इसमें फंसाया जाता है। अब इसको आप एक किनारी सिलाई मारते चले जाइए पूरा, आप देख सकते हैं। अब हम इस साइड भी पूरा फंसा देंगे इसी तरह से नाड़ी को, पूरा इस तरह से स्टेबल मजबूत, यहाँ से दो बार दो तीन बार सिलाई मार दें तो मजबूत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा ये लंगोटा बनकर तैयार हो गया, देखिए ये पूरा लंगोटा बन गया है, ये नाड़ी हो गया, इस साइड का भी नाड़ी हो गया,
ये मियानी पट्टी हो गया। इस तरह से आप लंगोटा को आसानी से बना सकते हैं अपने घर पर ही, पहनने वालों के लिए, किसी कस्टमर के लिए भी बना सकते हैं। तो इस तरह से लंगोटा बनाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर लाइक भी करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।